एक्स्ट्रा टाइम। बात करते हैं एक ऐसे क्रिकेटर की जो बड़ा जुझारू था, हमेशा फाइटिंग स्पिरिट उसके अंदर थी, लेकिन भारतीय क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट में उसको उतने चांसेस मिले नहीं जितना मिलना चाहिए। बात कर रहे हैं करंट बंगाल रणजी ट्रॉफी टीम के कोच अरुण लाल जी की। अरुण लाल जी एक फाइटर हैं और ये उन्होंने अपने खेल से भी साबित किया है और आफ्टर प्लेइंग लाइफ में भी साबित कर दिया। उनकी लाइफ आफ्टर अ प्लेयर एज अ कॉमेंटेटर, स्पेशली अ हिंदी कॉमेंटेटर, एकदम सेटल्ड थी, सब कुछ सही जा रहा था, फिर अचानक ही डिटेक्टेड कैंसर। और ये जो कैंसर था ये बड़ा ही डेंजरस था, एक रेयर जॉ कैंसर था जो कि इनके सलाइवरी ग्लैंड्स में हुआ था और ये 2016 में डिटेक्ट किया गया। 14 घंटे की सर्जरी हुई कोलकाता के टाटा मेडिकल सेंटर में और इनके पूरे जॉ को यानी जबड़े को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। और उसके बाद अरुण लाल अपने फाइटिंग स्पिरिट से ही आज सक्सेसफुली सिर्फ खड़े ही नहीं अच्छा खासा भाग दौड़ भी कर लेते हैं। वो बहुत ही मुश्किल वक्त था और बहुत ज्यादा हिम्मत और संयम की जरूरत थी जो कि अरुण लाल सर ने दिखाई। अपने प्लेइंग डेज में ये हिम्मत और संयम अरुण लाल के कैरेक्टर से दिखी थी जब उन्होंने फियरसम वेस्ट इंडियन बोलर्स को खेला था। चौंसठ साल के हैं अरुण लाल सर और आज बंगाल रणजी ट्रॉफी टीम के कोच हैं और यही फाइटिंग स्पिरिट उन्होंने बंगाल ड्रेसिंग रूम में और बंगाल के टीम में इंस्टिल कर दिया है। और इसलिए बंगाल की टीम 2019-2020 के रणजी ट्रॉफी फाइनल्स तक पहुंची और फाइनल में सौराष्ट्र से हारी। अरुण लाल जी का जन्म एक क्रिकेटिंग परिवार में हुआ था। उनके पिता धीर जगदीश लाल भी फर्स्ट क्लास लेवल के ओपनिंग बैट्समैन थे। अपने पिता के कदमों को फॉलो करते हुए अरुण लाल जी भी ओपनिंग बैट्समैन बने। रणजी ट्रॉफी में वो दिल्ली के लिए और बंगाल के लिए खेले, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्टिव पारियाँ उन्होंने बंगाल की रणजी ट्रॉफी टीम के लिए खेली और 1989-90 के सीजन में इन्हीं के एफर्ट्स के बदौलत बंगाल रणजी ट्रॉफी चैंपियंस बना। इंटरनेशनल क्रिकेट में जितने मौके अरुण लाल जी को मिलने चाहिए उतना उन्हें मिला नहीं। 6 साल के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटिंग करियर में उन्होंने सिर्फ 16 टेस्ट मैचेस खेले थे भारत के लिए। पाकिस्तान के अगेंस्ट ईडन गार्डन्स में 1987 में उन्होंने दोनों ही पारियां में अर्धशतक बनाए थे, 52 और 70। इस मैच में उन्होंने सुनील गावस्कर को रिप्लेस किया था जो कि उस टेस्ट मैच में नहीं खेल रहे थे। इतने शानदार बैटिंग के बाद भी अगले टेस्ट मैच में उनको बिठा दिया गया। इसके बाद वाले सीजन में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उन्होंने 3 अर्धशतक मारे अक्रॉस फॉर्मेट्स, इंक्लूडिंग अ करियर बेस्ट 93 ईडन गार्डन्स में, लेकिन उसके बाद फिर भी उनको मौका नहीं मिला प्लेइंग 11 में। अरुण लाल ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, वो है सौरव गांगुली के करियर को शेप करने में। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में 1989-90 सीजन में अरुण लाल ने ही सिलेक्टर्स पे दबाव डाला था कि सौरव गांगुली को टीम में जगह मिले, एंड द रेस्ट दे से इज हिस्ट्री। और फिर सौरव गांगुली जब क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने अरुण लाल को तुरंत बंगाल टीम का कोच बनाया। अरुण लाल जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल की तरफ से। वो कहते हैं ना कि फाइटर्स भले ही खत्म हो जाए लेकिन वो कभी हार नहीं मानते, यही कैरेक्टर रहा है हमेशा अरुण लाल जी का, हु हैज ओवरकम बोथ डिस्ट्रक्शन एंड डिफीट, और अपनी लाइफ हमेशा की तरह पॉजिटिव स्पिरिट के साथ ही जी रहे हैं। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.